एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि जितने भी बीजेपी के खिलाफ वाली पार्टी है सबको एक प्लेटफॉर्म में आना चाहिए। একেবারে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে সেখানে রাজ্য সম্পাদক যিনি রয়েছেন সিপিআইএম এর জিতেন্দ্র সরকার নেই এক গ্যাং সা জো হ্যায় পার্টি চলা এক গ্যাং চলা রহি হ্যায় আগর 76 সাল কে বুড়ে এক কমিউনিস্ট পার্টি কা মদদ সাথী 76 ইয়ার ওল্ড ম্যান কো আগর আপ হত্যা কর সকতে হ্যায় 16 সাল কে বচ্চি কো গ্যাং রেপ করকে এফআইআর নেই হোতা। मैं सबको बोलना चाहता हूँ एक ही चीज सोच लीजिए, अगर हमारी बहन होती हमारी बेटी होती 7 दिन तक आप एफआईआर नहीं करते हो, लड़की के साथ जो है कुमारा घाट में आप रेप करते हो, ये आम हो गया है, कार्यालय को जलाते हो राजनीतिक प्रतिद्वंदी का, हमारे कम्युनिस्ट पार्टी के सीपीएफ के कितने कार्यालय जला दिए हमारे, तो मेरा कहना है और कुछ भी एक भी वादा पूरा नहीं हुआ, सिर्फ पैसे के बल पर झूठ बोल के एडवर्टाइजमेंट दे करके खरीदने की जो कोशिश हो रही है। मुझे खुशी है और मैं आपके इस माध्यम से कि जैसे जितेंद्र जी ने भी कहा था, सीताराम जी ने कहा था कि जितने भी डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं जो संविधान पर विश्वास करते हैं, जो महिला सुरक्षा पर विश्वास करते हैं, जितने भी सेक्युलर लोग हैं, जितने भी जो देश के लिए चिंता करने वाले लोग हैं, हम एकजुट होकर के देश को बचाएं, संविधान को बचाएं और पहले तो त्रिपुरा से शुरू कीजिए। त्रिपुरा को सच में बता रहा हूँ कि बचाने की जरूरत है। हमने इस तरह का जो है ना वायलेंस, पॉलिटिकल वायलेंस और नॉनसेंसिकल एडमिनिस्ट्रेशन मैंने कभी नहीं देखा किसी भी स्टेट में। ये तो सचमुच में पहले ये पुराने मुख्यमंत्री का तो कहानी आप जानते ही। सर बातचीत किस विषय में हुआ, सिर्फ शेयरिंग या बातचीत? सब चीज में हुआ, एवरीथिंग। बीजेपी को हराने के लिए, बीजेपी को हराने के लिए क्या करना चाहिए हम सब लोग? Can you expect diplomacy in this dialogue? No, look, like Jitendra ji said, all democratic forces, if they want to come with us, we would welcome them. But if they are not, then indirectly they would be supporting the BJP, no? In whichever way. So my request to all people, I'm not, and again I'm saying, with all the people who are wanting to come, come on our platform. Because the issue is very important for the people of Tripura. Jitendra ji has already invited. I again extend the invitation that all like-minded parties should come on a platform. Because we must unite to fight a criminal gang which is running today the state of Tripura. आज बीजेपी के जो अध्यक्ष है त्रिपुरा अध्यक्ष राजीव भट्टाचार्य जी ने कहा कि अगर सीपीएम और कांग्रेस एक साथ होगी तो उनका फायदा ही होगा। राजीव भट्टाचार्य जी को बोले, मैं तो झारखंड से हूँ, रांची में जब दिमाग की संतुलन खराब हो जाती तो एक अच्छा अस्पताल, रांची में बहुत बड़ा एक अस्पताल है, पीपल हैव लॉस्ट देयर माइंड, राजीव जी को बोलिए वहां पर हम एडमिशन कराते। कुछ भी बोल देंगे, कुछ भी बोलना, पॉलिटिकल बात करने के लिए बोलिए, ऐसा अनाप शनाप ध्यान मत दें, चुनाव जल्दी हो जाएगा उनको मालूम हो जाएगा, और अगर कोई भी इलाज कराना है तो दिमाग का संतुलन खत्म हो गया तो आप बताइए हम ठीक कराने, हमें रांची में पैरवी करेंगे उनके इलाज के लिए, पॉलिटिकल बातें करने के लिए बोलिए। सर सीट शेयरिंग कब तक सामने आ सकता है? आप निश्चिंत रहिए, मन और दिन मिल जाता है ना, बाकी सब जो है आराम से हो जाता है, डेट तो आपको बताने के लिए तो उचित नहीं होगा, हम क्या करेंगे कैसे बताएंगे आपको, ये हम और दोनों पार्टी के बीच में।